यार महंगाई कितनी बढ़ गई है ना, आज के टाइम में मार्केट में निकलो तो 500 रुपए में कुछ नहीं आता। अरे क्यों नहीं मिलता यार, 500 रुपए में तुम खरीद सकती हो एक बढ़िया 4G स्मार्टफोन। क्या सच में? हाँ बिल्कुल। जी हाँ दोस्तों, हो गए ना आप भी हैरान? वेल, रिलायंस जियो गूगल के साथ बनाए जियो फोन नेक्स्ट को जल्द ही 10 सितंबर को लॉन्च करने वाला है। एंड गेस व्हाट गाइस, इस फोन को आप केवल 500 रुपए में बुक कर सकते हैं। पूरी जानकारी के लिए ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। लेकिन उससे पहले गाइस, हमें सपोर्ट कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके एंड साथ ही बेल आइकन को जरूर टैप करें ताकि हमारे इंटरेस्टिंग टेक वीडियोस आप तक यूं ही पहुंचते रहें। रिलायंस जियो गूगल के साथ बनाए अपने फोन जियो फोन नेक्स्ट को 10 सितंबर को परचेज के लिए अवेलेबल करने वाला है। एंड लीक्स की माने तो कहा जा रहा है गाइस कि जियो फोन नेक्स्ट दो मॉडल्स में लॉन्च किया जा सकता है। पहला होगा बेसिक मॉडल जो करीब 5000 या उससे कम की प्राइस पर लॉन्च होगा। दूसरा होगा एडवांस मॉडल जो करीब 7000 तक की प्राइसिंग पर लॉन्च किया जा सकता है। वेल, हम सभी जानते हैं गाइस कि रिलायंस जब भी कोई बड़ा प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो उससे पहले कुछ इंटरेस्टिंग स्कीम्स जरूर लेकर आता है। एंड ऐसा ही कुछ होने वाला है जियो फोन नेक्स्ट के मामले में भी। लीक्स में सामने आया है कि जियो फोन नेक्स्ट की लॉन्च से पहले कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग स्कीम्स सामने आने वाली है। सबसे पहले आपको बता दूं कि जियो फोन नेक्स्ट के फाइनेंस के लिए रिलायंस जियो ऑलरेडी 5 बैंक्स के साथ टाई अप कर चुका है। तो दोस्तों, स्कीम ये है कि जियो फोन नेक्स्ट के लॉन्च के टाइम खरीदारों को इसकी कीमत का केवल 10% हिस्सा ही डाउन पेमेंट करना होगा और बाकी का अमाउंट वो आसानी से फाइनेंस करा सकते हैं। सो इन शॉर्ट, अगर जियो फोन नेक्स्ट का बेसिक वेरियंट करीब 5000 तक की प्राइसिंग के आसपास आता है तो आप इसे करीब 500 रुपए में बुक कर सकते हैं। एंड दूसरी तरफ एडवांस वेरियंट अगर 7000 तक की प्राइसिंग पर आता है तो आप इसे 700 रुपए में बुक कर सकते हैं। एंड बाकी का अमाउंट आप आसानी से EMI के जरिए पे कर सकते हैं। एंड गाइस, रिपोर्ट्स में ये भी सामने आया है कि इस फोन की प्री बुकिंग जल्द ही आने वाले दिनों में शुरू होने वाली है। एंड जब बात हो इसके स्पेक्स की, तो हाल ही में एक टिप्स्टर ने जियो फोन नेक्स्ट के कुछ फीचर्स को शेयर किया था, जहां बताया गया था कि इस स्मार्टफोन में आपको देखने मिल सकता है 5.5 इंच का HD+ डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 215 चिपसेट एंड साथ ही फोन को 2GB एंड 3GB रैम वेरियंट्स में लॉन्च किया जा सकता है एंड इसमें 32GB तक स्टोरेज भी दी जा सकती है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है गाइस कि ये फोन काम करेगा एंड्रॉइड गो एडिशन पर, जिसे खास तौर से बजट स्मार्टफोन्स के लिए बनाया गया है। एंड नॉट जस्ट दिस, फोन में आपको 13 MP का रियर कैमरा एंड 8 MP का सेल्फी कैमरा भी मिल सकता है। दूसरी तरफ फोन में आपको 2500 mAh की बैटरी, डुअल सिम एंड साथ ही ब्लूटूथ V4.2 एंड GPS कनेक्टिविटी भी देखने मिल सकती है। इसके अलावा आपको इस फोन में मिलेगा वॉइस असिस्टेंट, ऑटोमेटिक रीड अलाउड ऑफ स्क्रीन टेक्स्ट एंड लैंग्वेज ट्रांसलेशन। बट डोंट फॉरगेट गाइस कि जियो फोन नेक्स्ट के जो भी स्पेक्स एंड प्राइसिंग हमने आपको वीडियो में बताया है वो केवल लीक्स में सामने आया है। इस पर अभी कंपनी की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं आया है। बट डोंट वरी, ये फोन जल्द ही 10 सितंबर को सेल पर जाने वाला है, विच मींस इसकी एक्चुअल प्राइसिंग एंड स्पेक्स हमें जल्द ही पता लग जाएंगे। पर ये कहना गलत नहीं होगा गाइस कि जिस तरह जियो सिम ने लॉन्च होते ही मार्केट में धमाल मचा दिया था, वैसे ही जियो फोन नेक्स्ट भी जरूर कुछ ना कुछ कमाल करेगा। एंड ऐसा लगता है गाइस, जो लोग आज भी फीचर फोन का यूज करते हैं एंड साथ ही 2G का इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों के लिए ये 4G एनेबल्ड अफोर्डेबल स्मार्टफोन एक बढ़िया डील हो सकता है। तो गाइस, आप मुझे बताइए आपको क्या लगता है, अगर जियो फोन नेक्स्ट इसी तरह के स्पेक्स, प्राइसिंग एंड कुछ बेहतरीन ऑफर्स के साथ लॉन्च किया जाता है तो क्या ये फोन एक गेम चेंजर साबित हो सकता है? कमेंट्स में लिखकर दीजिए अपने जवाब। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर जरूर करना एंड मिस्टर फोन हिंदी देखते रहिए।